चले मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम स्टार्ट करने लगे हैं हम। 2014 रेगुलर मिस्टर एक्स का सवाल है और इसमें हमें बनानी है, अगर आप रिक्वायरमेंट पढ़ें जल्दी से जाके तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? स्टेटमेंट ऑफ, सर ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, सही है। अब देख लीजिएगा प्लीज, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं सिंगल एंट्री में बैलेंस शीट को, इसको बोलते हैं बैलेंस शीट को। देखें एक चीज़ समझ लीजिएगा, सिर्फ यहीं पे हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोल रहे हैं, बाकी हर जगह बैलेंस शीट बोल रहे हैं। अगर मैं आपको कहूँ बैलेंस शीट भी हम आसान लफ्ज़ों में बैलेंस शीट बोल रहे हैं, इसका नाम बैलेंस शीट भी नहीं है, इसका नाम अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स के अंदर बैलेंस शीट भी नहीं है, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इसका असल नाम है। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा मेरी बात पे, आप नेट पे सर्च करें IAS 1 इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, उसमें जाके आप देख लें व्हाट डज बैलेंस शीट कॉल, या कुछ भी आप टाइप करके देख लें, स्टैंडर्ड खोल के पढ़ लें। आप बोलेंगे मैं भेज दूंगा आपको, फिजिकल ला के दिखा दूँगा, आपको पूरी हैंड बुक्स हैं, 6 किताबें होती हैं IFRS की, सही है। कहीं भी आपको बैलेंस शीट का नाम नहीं दिखेगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिखेगा, सही है। अब ये बैलेंस शीट ही है, अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स इसको क्यों बोलते हैं यहाँ पे सिंगल एंट्री में, सिर्फ आपके कोर्स तक बोल रहे हैं, आगे आप जब बड़े होकर जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे बैलेंस शीट ही बोलेंगे इसको भी, सही है। बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्या होता है, लेट्स से बैलेंस शीट में आप जो है अगर किसी आप एसेट का फॉर एग्जाम्पल रिसीवेबल दिखा रहे हैं, लेट्स से आपने कहा अकाउंट रिसीवेबल है, सही है, आपने अकाउंट रिसीवेबल की अमाउंट दिखा दी बैलेंस शीट के अंदर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलता है, अफेयर्स का मतलब है मामलात, सही है, दूसरे मतलब भी बनते हैं जो आप लोगों को बेहतर पता है, वो दूसरी मीनिंग है उसकी, ठीक है। एक मतलब जो यहाँ पे जिस पे हम बात करें जिस कॉन्टेक्स्ट में, वो है मामलात। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के अंदर अकाउंट रिसीवेबल है ना फॉर एग्जांपल, तो अकाउंट रिसीवेबल के साथ ये किस पार्टी का है, किस बंदे से लेना है पैसा, वो कहाँ रहता है, काम क्या करता है, पैसे मिलने के चांसेस कितने, ये सारी बातें ना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में डलती हैं। और यहाँ पे आप जब बना रहे होंगे ना, जहाँ जब आप बना रहे होंगे, यहाँ जब आप बना रहे होंगे तो आप ये बातें नहीं लिखेंगे, इसका मतलब है ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स सिर्फ नाम के हद तक है, ये है बैलेंस शीट ही, ये है बैलेंस शीट ही, सही है। तो ज़मीन पे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है, तो चलें, सही है। तो इसका मतलब है नाम होगा सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपको बनानी क्या है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के 3 कंपोनेंट हैं, एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल, सही है, एसेट्स लायबिलिटी कैपिटल। आपने लफ्ज़ देखा बैलेंस शीट, सबसे पहले आप क्या बना देंगे, फॉर्मेट, जितना एक रेलेवेंट फॉर्मेट है वो आप बना दें। कि ये जो टिप्स मैं आपको दे रहा हूँ ये किसी भी टॉपिक में आप चला सकते हैं, ये टिप्स आप किसी भी टॉपिक में चला सकते हैं भाई, जब आपने रिक्वायरमेंट पढ़ी फॉर्मेट बनाना शुरू कर दो। आपने देखा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है, क्या होगा मिस्टर एक्स है? नाम लिख दिया सबसे पहले मिस्टर एक्स, और अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही लिखूंगा मैं यहाँ पे, सही है ना, क्योंकि मेरे कोर्स में यही नाम है। और ये बनेगी एज ऑन, एज ऑन क्या डेट है, 31 दिसंबर, अब मैं दो लाइनें खींच दूंगा, दो कॉलम जो बनाता हूँ मैं, जैसे एसेट्स लायबिलिटी एंड कैपिटल, आप लिख सकते हैं लायबिलिटी एंड इक्विटी भी लिख सकते हैं, कौन था इक्विटी वाला, लायबिलिटी एंड इक्विटी भी लिख सकते हैं, सही है। आपने ये फॉर्मेट बना दिया, इतना फॉर्मेट बना लें आप लोग, और चाहें तो और आगे भी लिख लें, थोड़ा सा एसेट में फिक्स एसेट लिख दें, ये अगर खुदा ना खास्ता टाइम ख़त्म हो गया तो क्या पता हमें आधा एक नंबर भी मिल जाए, और वो आधा एक नंबर हमारी परसेंटेज में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करे, सही है। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी ऑन अ सेफ एंड। अब हम जो है क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, अब हम क्या करेंगे, सवाल पढ़ेंगे, और हम जो है एसेट के अंदर फिक्स एसेट से स्टार्ट करेंगे हम,
और उसके बाद लाइब्रेरी और कैपिटल को जल्दी से देखते हुए चलेंगे। ठीक हो गया, चलें भाई सवाल पढ़ने स्टार्ट करते हैं। सवाल पढ़ना स्टार्ट करते हैं और चीज़ें जो है अंडरलाइन करेंगे फ़ौरन फ़ौरन, जो भी हमारे काम की चीज़ें होंगी। बोलता है मिस्टर एक्स इन्वेस्टेड कैश रुपीज 150 ऑन अगस्त 5। डेट अंडरलाइन करें पहले, डेट यहाँ पे देखें, डेट हर जगह इंपॉर्टेंट होती है। सही है, डेट अंडरलाइन कर लें, क्या पता कहीं काम पड़ जाए। कितना इन्वेस्टमेंट किया है, क्या होती है ये कैपिटल एट, लिख लें अपने पास कैपिटल स्टार्ट है ये, इसके ऊपर लिख दें कहीं भी निशान लगा दें, कैपिटल है, सी है, स्टार्ट है, कुछ भी कर लें। ऑन दिसंबर 31, दिसंबर 31 कौन सा दिन है सर, दिसंबर 31 कौन सा दिन है, वो दिन है, वो दिन है जिस दिन मैं ये काम कर रहा हूँ, मतलब मेरे ईयर एंड का लास्ट डे है। सही है, उस दिन बोल रहा है, डाटा दिया हुआ है, मतलब डाटा एंडिंग का दिया हुआ है। कैश, ऑफिस सप्लाईज, मर्चेंडाइज, फर्नीचर, पेबल और रिसीवेबल दिया हुआ है। सही है, क्या सर हम कैपिटल एट हैंड निकालेंगे, हम बैलेंस शीट में कैपिटल एट हैंड नहीं निकालेंगे, हम बैलेंस शीट में कैपिटल एट हैंड नहीं निकालेंगे, हम खुद ही बनाएंगे यहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर खुद ही बन जाएगा वो, हमें डबल काम करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाए नीचे पढ़ते हैं। बोलते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट दी हुई है, मैं ठीक है, और मिस्टर एक्स ने विड्रू किया है सम मर्चेंडाइज विच कॉस्ट 15,000 फॉर हिज, मतलब ड्राइंग, इसको भी लिख लेंगे ड्राइंग है, और एक डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, और एक डेप्रिसिएशन। अब जरा ऊपर आ जाए, ऊपर जो डाटा दिया हुआ था उसमें ढूंढने फिक्स एसेट कौन कौन से हैं, ऑफिस सप्लाई फिक्स एसेट नहीं होता, सिर्फ फर्नीचर है मेरे पास फिक्स एसेट। मैं नाम लिख दूंगा फर्नीचर का, मैं नाम लिख दूंगा, कितना दिया हुआ फर्नीचर, 85,000 का फर्नीचर दिया हुआ है। सही हो गया, मुझे 85,000 का क्या दिया हुआ है, बैलेंस शीट में मैं नेट वैल्यू लेके जाता हूँ, मतलब जो भी कॉस्ट होगी उसमें से मैं डेप्रिसिएशन अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करूंगा। सही है, ऊपर डेटा है मुझे कोई अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है, ऊपर डेटा है मुझे कोई भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं गिवन है। अब मैं डेप्रिसिएशन के लिए क्या करूंगा, नीचे देखूंगा। देखें एक बात, एक बात अपना ईमान बना लें, एक बैलेंस शीट के केस में दो किस्म के डाटा हो सकते हैं मेरे पास, एक बात होगी एडिशनल इंफॉर्मेशन से ऊपर तक की कहानी, और एक कुछ पॉइंट होंगे एडिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे, ऐसे ही होता है डाटा, कुछ ऊपर लिखा हुआ होता है कहानी है, एक्स स्टार्टेड बिजनेस बला बला, और एडिशनल इंफॉर्मेशन के नीचे कुछ दिया हुआ होता है। अगर सेम हेड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, फॉर एग्जाम्पल ऊपर बोला हुआ है प्रीपेड है, ऊपर बोला हुआ है प्रीपेड रेंट है 1,000 रुपये का, नीचे आके बोला हुआ है प्रीपेड रेंट है 500 का, अगर एक ही हेड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, एक ही हेड ऊपर भी होगा नीचे भी होगा, एक ही हेड ऊपर भी होगा, हम हमेशा नीचे वाले की मानेंगे, हम हमेशा नीचे वाले की मानेंगे, हम हमेशा कैंसिल, ऊपर वाला समझे कुछ था ही नहीं। सही है, ऊपर वाले को ऐसे इग्नोर करेंगे जैसे लोग आपको। सही है, ऊपर वाले को हम बिल्कुल भी नहीं देखेंगे अगर एक ही हेड दो जगह पर है, ऊपर भी है नीचे भी है, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे इग्नोर कर देंगे, नीचे वाले की वैल्यू लेंगे। क्या क्या नहीं, सिर्फ फिलहाल, क्या बोलो, क्या बोल रहे हो आ जाए भाई, ये तो हो गई, इसका काम आएगा कहीं, अभी इस बात का काम इस सवाल के अंदर नहीं है, कहीं आएगा अभी, आ जाए जल्दी से। अब अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ढूंढने कहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेप्रिसिएशन दिख रहा है, तो डेप्रिसिएशन अगर मैं एंट्री बनाऊंगा तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो अलाउंस का नाम आ जाएगा वहां से। सही है, तो मैं क्या करूंगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन सर नाम लिखूंगा, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। सही है, कितना 15,000 माइनस करा दूंगा, कितना बनेगा
70,000, ये क्या कहलाएगा, बुक वैल्यू बोलें आप या नेट बोलें, दोनों सही है। सही है, कॉस्ट ही मेरे पास 85,000 की, मैंने उसमें से जितना इस्तेमाल कर लिया उसको माइनस कर दिया। डेप्रिसिएशन क्या होता है, होता क्या डेप्रिसिएशन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, और कोई आसान लफ्जों में बताया मेरे डेप्रिसिएशन क्या होता है, आसान लफ्जों में बताया कोई डेप्रिसिएशन क्या होता है। और कोई पीछे बताएं भाई कुछ इनपुट। देखें डेप्रिसिएशन सिंपल सी बात है, किसी एसेट को मैंने जितना यूज़ कर लिया डेप्रिसिएशन है, किसी एसेट को मैंने कितना यूज़ कर लिया ये डेप्रिसिएशन है। सही है, कितने मैंने उसके बेनिफिट ले लिया, कितना मैंने उसको इस्तेमाल कर लिया। सही है, ये डेप्रिसिएशन है। मैंने कहा 85,000 का फर्नीचर था, मेरे अंदाजे के मुताबिक, ये एस्टिमेट है, डेप्रिसिएशन और बैड डेट दो एस्टिमेट है अकाउंटिंग के, सही है, अंदाजे हैं, मुझे लग रहा है मैंने इतना कर लिया, क्या पता इतना ना हुआ हो, वो अलग फिर उसका कॉन्सेप्ट है क्या होगा कैसे होगा वो आपके एरिया तक की बात नहीं है। मेरे हिसाब से कितने का, 85 का मैंने यूज़ कर लिया, कितने का, 15,000 का। तो मेरे हिसाब से मेरी बुक्स में मैंने क्या लिखा, बुक वैल्यू, मेरी बुक्स में, मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में ये आज कितने का खड़ा हुआ है। सही है, अभी कॉपी वॉपी नहीं करें भाई, अभी सिर्फ देख लें, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मैं आ जाता हूँ, अब मेरे पास और कोई फिक्स एसेट नहीं है तो मेरा यही बन गया टोटल फिक्स एसेट। मैं नीचे आ जाता हूँ, नीचे आके मैं क्या एडिंग लगाऊंगा, करंट एसेट्स। मेरे पास बैलेंस शीट में दो किस्म के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स, फिक्स एसेट। एसेट क्या है, हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है। एसेट क्या है, हर वो चीज़ जो मेरे कंट्रोल में है मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकती है, दोनों बातें पूरी करनी चाहिए। सही है, करंट एसेट क्या है, वो आइटम जो मुझे 12 महीने तक का दे सकता है, बस 12 महीने के अंदर अंदर, 12 महीने या 11 महीने, 10 महीने, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। फिक्स एसेट जो 12 महीने से ऊपर जा सकता है, 13, 14, 15, 16, 17, 12 से ऊपर होना चाहिए बस, 12 भी ना हो, 12 से कम भी ना हो, 12 से ऊपर हो, 13वां महीना लग जाए, 12.5 लग जाए, 12 क्रॉस करना चाहिए। सही है, तो 12 क्रॉस करने वाला एक फर्नीचर होता है मेरे पास, उसके अलावा जो बचा मेरा क्या है, वो क्या है, वो क्या है, वो अब आ जाए जल्दी से। करंट एसेट में मेरे पास क्या क्या आ रहा है सर, कैश है, ऑफिस सप्लाईज है, मर्चेंडाइज है। मैंने एक दूसरी क्लास में हैंडआउट दिया था आप लोग को एक पेज का, तो ये आप लोग उससे चाहे तो हेल्प ले सकते हैं, जो बच्चे एबसेंट थे वो इन लोग से लेके फोटो स्टेट करवाना चाहे वो कर लें, या जो है वो मैं PDF भी ग्रुप में डाल दूंगा इसका, सेम हैंडआउट का, इसमें सारी बातें लिखी हुई हैं। सही है, ये आपको बड़ा हेल्प करेगा एसेट और एक्सपेंस ढूंढने में। ठीक है यार, देखो अगर हम किसी बिजनेस के पॉइंट से बात करें ना तो नहीं होता, छोटे मोटे आइटम्स क्या क्या क्या, बिल्डिंग, बिल्डिंग तो फिक्स है ना, बिल्डिंग तो अलग है क्या, बिल्डिंग, हाँ बोल रहे हो, बिल्डिंग में मैं ऑफिस चला रहा हूँ तो ऑफिस बिल्डिंग हो गई, वो तो बिल्डिंग में आ जाएगा फिक्स एसेट। ऑफिस सप्लाईज क्या होता है, सप्लाईज क्या होता है, पेन, पेंसिल, मार्कर, पेपर, चेयर, ऑफिस सप्लाईज नहीं है, चेयर फर्नीचर है, नहीं, ऑफिस सप्लाईज में सारा छोटा आइटम आता है, कागज़ पेन पेंसिल नहीं होते ऑफिस वगैरह में, क्या रखे होते हैं जगह जगह, कैलकुलेटर नहीं होते क्या रखे हुए होते हैं, ये सब का सब आपका ऑफिस सप्लाईज होता है। सही है, मार्कर, पेन, पेंसिल, पेपर वगैरह अभी चलेंगे 12 महीने, अगर हम मान भी लेंगे यार कैलकुलेटर निकाल देगा 12 महीने, तो भी हम उसको 12 महीने पर लेके नहीं जाते, हम उसको पहले जो है राइट ऑफ कर देते हैं, मतलब फिक्स एसेट में नहीं दिखाते। क्योंकि देखो एक बात याद रखना, मैंने कल एक बात कही थी, मोबाइल मेरा फिक्स एसेट है, मोबाइल मेरा फिक्स एसेट है, चल सकता है, चल चलेगा क्या नहीं ये मुझे थोड़ी पता है, कैलकुलेटर मैंने कहा ऑफिस सप्लाईज है, क्यों
करंट एसेट में क्यों डाल लोगे, 12 महीने के अंदर खत्म भी हो सकता है, 12 महीने से ऊपर भी तो जा सकता है, मोबाइल मेरा चल सकता है, बाहर निकलो छिन जाए अभी तो, चल तो सकता है, चलेगा कि नहीं वो अलग बात है, सही है। और इस बेस पे मैं ऑफिस सप्लाई छोटे मोटे जो आइटम होते हैं इनको मैं फिक्स एसेट में लेके नहीं जाता, सही है। मोबाइल वैसे मेरा फिक्स एसेट है, चल सकता है क्या? देखें डिपेंड करते हैं ना ये आप कहाँ रह रहे हैं, चलें जल्दी से आ जाएं, डिपेंड करते हैं कहाँ किस टॉपिक में लिख के आ रहा है। चलें जल्दी से आ जाएं, आगे कंटिन्यू करते हैं। करंट एसेट में हमारे पास कैश आ रहा है, ऑफिस सप्लाईज आ रहा है, मर्चेंडाइज आ रहा है, और क्या क्या है भाई, रिसीवेबल्स। सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, रिसीवेबल के साथ बैड डेट भी अगर कुछ होगा तो हमें लेस करना होगा। अकाउंट रिसीवेबल्स लिख रहा हूँ मैं, सबसे पहले कितना है 70,000। उसके बाद सर ऑफिस सप्लाईज, और क्या है मेरे पास, मर्चेंडाइज 50,000, मर्चेंडाइज को और ऊपर लिखना चाहिए था, और उसके बाद हम डाल देंगे कैश 180, और टोटल करें इसका जल्दी से कितना हो गया, 10 हो गया। भाई किसी का कोई सवाल? हाँ बोले, कहाँ कुछ और आ रहा है, क्या आ रहा है वहाँ पे बताता हूँ ना अभी, वो कैसे आ रहा है, 4 लाख आ रहा है, वो टोटल एसेट है, वो टोटल करंट एसेट नहीं है, सही है। वो कैसे आया, वो ऐसे आया, टोटल अब टोटल एसेट कैसे लूँगा मैं, लेट से मैंने कहा ये है मेरा फिक्स एसेट, इसको बोल दिया मैंने ए, इसको बोल दिया मैंने बी, मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट से ए प्लस, समझाने के लिए गया अगेन ये काम, इन दोनों को सम कर दूंगा कितना बनता है। अब देख लें एक बात और, एक चीज़ छोटी सी और देख लें प्लीज़ जल्दी से, मैंने करंट एसेट की वर्किंग की है, आप लोग डायरेक्ट उठा के कैश से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन बेस्ट प्रेजेंटेशन ये है कि मैं कैश को एंड पे दिखाऊं, कैश को मैं एंड पे दिखाऊं, कैश जो है हमारा मोस्ट लिक्विड एसेट है। आप कोई भी, आपको कोई चीज़ खरीदनी है आप कैश से फ़ौरन से खरीद सकते हैं। भाई मेरे पास मर्चेंडाइज और ऑफिस सप्लाईज भी तो एसेट है, मैं लेके जाऊँ मुझे चिप्स खानी है, ये कैलकुलेटर ले ले भाई, थोड़ी सी चिप्स दे दे। अब वो अगेन बाटर सिस्टम, कितना काटना है कितना तोड़ना है, वो उसको चाहिए भी है नहीं चाहिए, बहुत सारे मामला उसके। तो अगेन कैश जो है ये मेरा मोस्ट लिक्विड एसेट है, इसको मैं डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ, इसलिए मैं उसको एंड पे दिखाता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, अब देखिए मैंने जो है फ़ौरन से, मुझे अगर फॉर्मेट याद है तो मैंने कैपिटल का भी फॉर्मेट यहाँ पे बना के रख लिया, कैपिटल में क्या क्या आइटम आ सकते हैं सर, ओपनिंग या कैपिटल लेटर स्टार्ट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा भाई जो है अगर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट हुई होगी तो मैं ऐड कर दूंगा, ड्राइंग होगी तो लेस कर दूंगा, प्रॉफिट होगा तो ऐड कर दूंगा, लॉस होगा तो यहाँ पे लेस कर दूंगा, जो आंसर बनेगा मेरा वो क्लोजिंग बन जाएगा, सही हो गया। अब मैं आया, मैंने फिक्स एसेट कर लिया, मैंने करंट एसेट कर लिया, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा लाइबिलिटी ढूंढ लेते, पहले सवाल के अंदर एक ही लाइबिलिटी है क्या, पेएबल्स टू सप्लायर्स कितनी है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, अकाउंट्स पेएबल्स कितना है, एक ही है मेरे पास, मैं इसको यहाँ पे बना दूंगा क्या, टोटल लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे हम करेंगे। उसके बाद मैंने कहा अब मैं आता हूँ जल्दी से कैपिटल एट स्टार्ट की तरफ, कितना था कैपिटल स्टार्ट, हमने अंडरलाइन किया था 1 लाख, सही है। स्टार्ट में बोल रहे स्टार्टेड कैपिटल, तो कैपिटल एट स्टार्ट, इसको ओपनिंग भी बोल सकते हैं आप, कैपिटल एट स्टार्ट भी बोल सकते हैं। उसके बाद फॉर्मेट मुझे बोल रहे कि एडिशनल इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दो, ढूंढने तरह एडिशनल इन्वेस्टमेंट कहाँ पर है, 5,000 पर मंथ फॉर 4 मंथ्स, टोटल कितने बनी, मैं स्टैरिक बना के ऊपर वर्किंग भी कर रहा हूँ, कैसे बना ये 5,000 इंटू 4 पर मंथ फॉर 4 मंथ, 4 महीने तक, 4 महीने के लिए, सही है। आगे बढ़ते हैं सर, ड्राइंग है क्या, हाँ, मिस्टर एक्स विड्रू सम मर्चेंडाइज विच कॉस्ट 15,000 फॉर हिज होम यूज, घर के यूज के लिए तुमने
कोई भी काम किया है तो वो क्या है, ड्राइंग। ये हो गया प्रॉफिट। अब आखिरी रह गया मेरा क्या, कोई सवाल है? यही नीचे से ये चल रहा है ना पूरा। हाँ ये तीनों चल रहे ना, दोनों प्लस होंगे ये माइनस होगा। आगे प्रॉफिट कहीं दिया हुआ है सर? रिक्वायरमेंट पढ़े, रिक्वायरमेंट बोलता है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एज एज ऑन 31 दिसंबर 2013 नेट इनकम फॉर द पीरियड। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट इनकम मतलब नेट प्रॉफिट। इसको पूरे को आप सम कर लें, जो प्लस में उसको प्लस कर लें, जो माइनस में उसको माइनस कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, नेट लॉस होता, लॉस होता तो वो लेस होता। सही है, करें क्या आ रहा है नंबर आपके पास? ये बन जाएगा मेरा रिक्वायरमेंट के साथ दिया हुआ। बिल्कुल, दोनों एक साथ भी दे सकता है। कितना? दो लाख अस्सी हजार। दोनों का सम कर लें, बैलेंस शीट हमारी हो गई। राइट, देखिए मैं फिर अगेन इसको रिपीट कर दे रहा हूँ पूरा एरिया, इसको देख लें। देखिए ये मुश्किल चीज़ नहीं है, बैलेंस शीट आसान है, सिर्फ हमें एसेट्स पता होना चाहिए। दो दो मुश्किल चीज़ें ना इसमें, जो एक एरिया आवाम को मुश्किल लगता है वो हमारा ये होता है करंट एसेट वाला। करंट एसेट ढूंढना हमें या करंट लाइबिलिटीज। अभी सिर्फ एक पेएबल था, इसमें अगर एक्रूड सैलरीज वगैरह आएगा तो वो भी बच्चों को तंग करता है। अनअर्न इनकम हमारी लाइबिलिटी होती है, तो ये सब चीज़ें बच्चों को तंग करती हैं। तो मतलब मुश्किल एरिया इसका सिर्फ एक ये वाला है और एक ये वाला है। इसके अलावा ये दोनों एरिया आसान है, इसमें सिर्फ फॉर्मेट आपको याद करना है। और इसमें फिक्स एसेट हमारे हमें गिनती के होते हैं तो हमें याद रह जाते हैं। इक्विपमेंट होता है, फर्नीचर होता है, लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, मतलब 5 6 7 हैं तो हमें याद रह जाते हैं फिक्स एसेट भी। सही है, मैं पूरा एरिया वापस से रिपीट करवा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने जो है बंदे का नाम लिखा, सिंगल एंट्री में बना रहे हैं बैलेंस शीट, तो हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। एज ऑन ये आज के दिन की बनती है, फॉर द ईयर नहीं बनती है, फॉर द ईयर प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, ये एज ऑन है। सही है, अगर आते हैं फॉर द ईयर लिख दिया गलती है, फॉर द ईयर होता है पूरे साल की ट्रांजेक्शन बताओ, और एज ऑन बोलता है आज के दिन बताओ कितनी लाइबिलिटी है, किसको कितने पैसे देने हैं, आज के दिन तुम्हारे पास कैश कितना है, आज के दिन मर्चेंडाइज या गुड्स कितनी बढ़ी हुई है, आज के दिन का बताओ, पूरे साल का नहीं बताओ मुझे, आज के दिन का बताओ। सही है, उसके बाद मैंने कहा फिक्स एसेट में सबसे पहले मैंने फर्नीचर लिख दिया, फिक्स एसेट था मेरे पास सवाल के अंदर। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन एक ही था, मुझे एडिशनल डाटा से मिल रहा था, मैंने उसको माइनस कर दिया, क्या बन गया मेरा बुक वैल्यू। माइनस किया 85 में से 15 निकाला, 70 था मेरा, बन गया बुक। सवाल के अंदर ये सारी चीज़ें मुझे स्ट्रेट दी हुई थी, मुझे आइडेंटिफाई करना था ये करंट एसेट है कि नहीं। मैंने पहचान लिया, टक 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 लिख दिया, पूरा का पूरा एरिया मैंने उठा के यहाँ पे छाप दिया, टोटल किया, क्या बना 3 लाख 30। 3 लाख 30 में उठा के 70 को प्लस कर दिया, 4 लाख बन गया। सही है, उसके बाद मैं आया लाइबिलिटी पे। लाइबिलिटी मैंने कहा नॉर्मली मेरा मेरा टारगेट किससे होता है, पेबल्स पे। पेबल क्या है, लाइबिलिटी, स्ट्रेट लाइबिलिटी है। सही है, मैं देखा एक ही पेबल था, पेबल टू सप्लायर, इसको मैं बोलता हूँ अकाउंट्स पेबल, मैं लिख दिया 1 लाख 20। उसके बाद मैं आ गया कैपिटल के एरिया पे, मैंने कहा कैपिटल का क्या तरीका है भाई, ओपनिंग में एडिशनल ऐड होगा, ड्रॉइंग लेस होगी, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो। दोबारा से ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल स्टार्ट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगी, ड्रॉइंग लेस होगी, प्रॉफिट होगा तो ऐड होगा, लॉस होगा तो। दोबारा से ओपनिंग कैपिटल में एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऐड होगी, मैंने क्या किया, ओपनिंग कैपिटल मेरे पास दिया हुआ था 150 का, सवाल में स्टार्ट में एडिशनल इन्वेस्टमेंट एडिशनल डाटा में दी हुई थी, ड्राइंग मुझे एडिशनल डाटा में दी हुई थी, और प्रॉफिट एंड लॉस मुझे कहाँ दिया हुआ था, प्रॉफिट में मुझे रिक्वायरमेंट में दिया हुआ था प्रॉफिट निकाल के। उसने मैंने प्रॉफिट उठाया, डायरेक्ट लिख दिया, 150 को प्लस में रखा, 20 को प्लस में रखा, 15 माइनस करवाया यहीं से। सिंपल कैलकुलेटर में आप डालें 150 प्लस 20 प्लस 15 माइनस 1 लाख 25 प्लस, आपके पास आंसर आ जाएगा 280। 280 में आपने इसको प्लस कर दिया, ये आपका बन गया 4 लाख, और बैलेंस शीट हो गई हमारी टाई। टाई होना भी ज़रूरी है,
टाई होना भी हमारी ज़रूरी है बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट ये वो सवाल है जो आपको बता देगा कि आपने सवाल सही किया कि नहीं। टाई हो गई तो 95% चांस है कि आपने सही किया है। गलत नंबर पे टाई हो सकती है, हाँ टाई हो सकती है गलत नंबर पे भी। गलत नंबर पे टाई हो सकती है बैलेंस शीट।